सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हुए गाइस। तो गाइस आज मैं करने वाला कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग जो कि बहुत खास एडिटिंग होने वाला है। सो गाइस आप बहुत देख सकते हो कितने बेहतरीन एडिटिंग लग रहा है। सो गाइस आप भी चाहते हो कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग करने के लिए तो हमारे वीडियो बन रहे ना, वीडियो को मिस मत करना। अगर आप न्यू हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। वो पिक्चर ओपन कर लेनी है और इस पिक्चर ओपन करने के बाद आपको इस प्लस का क्लिक करके अपनी फाइल में आ जानी है। तो चलते हैं यहाँ पे ऑल फोटोज पे क्लिक करना है और आ जानी अपनी फाइल में, जो भी अपनी फाइल में फ़ोटो रखे हो अपनी फाइल में आ जानी है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी फाइल में। ठीक है, तो हमारा फाइल है जय हिंद के नाम से मेरा फाइल जो क्रिएट किया गया है। तो अपने फाइल को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, आप ये वाली बैकग्राउंड को ओपन कर लेते हैं। तो वैसे हमारा जो बैकग्राउंड है ओपन हो चुका है, देख सकते हो। तो गाइस इसमें आप अपने फ़ोटो को से ऐड करेंगे। तो चलते हैं, तो ऐड करने के लिए क्या करना होगा, आपको ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद चलते अपने फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हमारा जो फ़ोटो इस कुछ इस तरीके का फ़ोटो है। तो ये वहाँ जो फ़ोटो इंस्टाग्राम से मैंने डाउनलोड किया था, कुछ इस टाइप के पोज हैं। तो आप भी कुछ अलग पोज दे सकते हो। ठीक है, मैं भी फोटो को जैसे घुमा लेता हूँ तो कुछ आप भी यहाँ पे ऐसे कुछ करके स्टाइल दे सकते हो ताकि आपकी फोटो बिल्कुल मस्त वाली बने। तो गाइस थोड़ा मैं साइज को बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो गाइस आप देखो तो बिल्कुल हमारे फोटो है अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। नहीं और कुछ PNG है, मैं PNG यहाँ पे ऐड करूँगा। तो उसके लिए क्या करना है, फिर से आना ऐड फोटो में और चलते अपनी फाइल में। तो हमारा जो फाइल में यहाँ पे कुछ PNG है, तो सबसे पहले ये तिरंगे को मैं ऐड कर लूँगा। तो ये साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस वाली हैंड को मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा। तो वैसे उसके बाद क्या करना है, आपको इरेजर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कट कर लेनी है। यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, जिससे हाथ में पकड़ा तो लगना चाहिए कि यहाँ हाथ में पकड़ा है। तो थोड़ा यहाँ पे साइज को छोटा कर लेते हैं गाइस, तो थोड़ा साइज को छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से कट, तो गाइस देख सकते हो अच्छी तरीके से यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको जाना है फिर से एयरपोर्ट में और सारा PNG अपना जल्दी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और सेट करते हैं। तो ये थोड़ा पक्षी का है तो मैं पक्षी ले लेता हूँ, इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे और ये पक्षी को यहाँ पे सेट कर देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो चुका है गाइस। ठीक है, थोड़ी मैं साइज यहाँ छोटा कर लेता हूँ, ये साइज इसको थोड़ा साइज आगे कर लेता हूँ। तो ये सही यहाँ पे सेट हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन और फिर चलते हैं ऐड फोटो में। तो अपने फाइल में आ जाते हैं गाइस। उसके बाद करना क्या है, आपको ये ले लेनी है और लाइट ले लेनी है और यहाँ से कर लेते हैं लाइट को सेट। और सबसे पहले जाना है ब्रांडिंग मोड में और यहाँ से कर लेनी स्क्रीन और यहाँ से थोड़ा साइज बड़ा कर लेनी है। और क्या करना है, यहाँ थोड़ा ऑपेसिटी को कम कर देनी है। थोड़ा मैं ऑपेसिटी को कम कर देता हूँ ताकि यहाँ पर हल्का लाइट दे ना, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद इसको ले लेते हैं। इसको क्या करना है, फिर से आना है ब्रांडिंग मोड में, उसको भी कर देनी है स्क्रीन और ये यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो बस यहाँ से कर लेते हैं डन और फिर चलते हैं अपने ऐड फोटो में। और यहाँ से अपने आते हैं फाइल में और क्या करना है, आपको ये कलर ले लेनी है और कलर लेने के बाद आपको ये ले लेनी। तो इसको साइड कर लेते हैं, इसको ये करते हैं चलते हैं यहाँ पे। तो ऑपोसिटी को कम कर लेते हैं, थोड़ा हल्का रखना है और साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लगा देनी है, ऐसे मैं लगा देता हूँ, अच्छा लग रहा है। और ये वाली जो कलर है इसको मैं यहाँ पे अपनी फेस पे लगाऊंगा, यहाँ पे फेस पे यहाँ पे लगा देते हैं। बहुत सॉरी, तो इसको थोड़ा फेस पे लगा देता हूँ। तो वैसे आप देख सकते हो अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन और डन करने के बाद चलते फिर से ऐड फोटो में। और ऐड फोटो में आ जाते हैं, अपनी फाइल में आ जाते हैं। अपनी फाइल में आ जाने के बाद आपको ये वाली पक्षी दो ले लेनी है। ठीक है, मैं सारा का लिंक दे दूंगा, आप जाकर आसानी से डाउनलोड करके अपने फ़ोटो अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो। ठीक है, और ये वाली मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, ये कुछ टाइटल है तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। तो ये वाली पक्षी को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ गाइस। ठीक है, और ये पक्षी को यहाँ पे सेट कर दूँगा।
तो गाइस आप देख सकते हो तो कितना बेहतरीन लग रही है फ़ोटो। और ये जो टैक्स है यहाँ पे मैं इसी तरीके से यहाँ पे ऐड कर लूँगा और यहाँ पे थोड़ा ऑपेसिटी वो कम कर लेंगे। और ये करेंगे इरेजर पे क्लिक करेंगे गाइस और जो रंगा दिख रहा है इसमें कट कर लूँगा, थोड़ा मैं साइज को छोटा कर लेता हूँ। ये भी तिरंगे को मैं साइड कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस अब देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। तो गाइस हमारा जो सारा मतलब पीएनजी में सारा सेट कर लिया हूँ, अब इसमें क्या करना है ऑनली कलर सेटिंग करना है, ठीक है। तो कलर सेटिंग करने के लिए क्या करना है, आपको जाना है लाइट रूम में और लाइट रूम में वहाँ पर कलर सेटिंग करेंगे। तो उससे पहले क्या करना है, यहाँ से अपने फोटो को सेव कर लेते हैं। तो चलते हैं ड्रा टूल में और वहाँ से फोटो सेव करते हैं। तो ड्रा टूल में चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको तीन डॉट पे क्लिक करना है। तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद सेम इमेज पे क्लिक करके फोटो कर लेंगे सेव। तो वैसे हमारा जो फोटो यहाँ पे सेव हो चुका है और चलते हैं लाइट रूम की तरफ। और लाइट रूम ओपन करने के बाद क्या करना है गाइस, तो गाइस यहाँ पे अपनी फोटो को ऐड करनी है, ठीक है। जो फोटो को आपने एडिट किया उस फोटो को आपको इसमें ऐड करनी है। तो करना कि आपको यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे वो क्लिक कर देनी है और क्लिक करने के बाद अपने फोटो को ऐड कर लेनी है। तो चलते हैं अपने फोटो को ढूंढ लेते हैं कहाँ पे फोटो है। तो गाइस हमारा जो फोटो है कुछ इधर कहीं होगा। तो गाइस हमारा जो फोटो यहाँ पे है यहाँ से कर लेते हैं ऐड। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक फोटो मेरा ऐड हो चुका है, देख सकते हो। तो हमारा जो फोटो यहाँ पे है अब इसको थोड़ा अच्छी तरीके से कलर कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले कलर में और यहाँ पे थोड़ा हाइलाइट देख लेते हैं। तो हाइलाइट को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देंगे और साइडों को थोड़ा साइडों को बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ ब्लैक तो थोड़ा ब्लैक को बढ़ा दूंगा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर सेटिंग करना है, फोटो के हिसाब से करना, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ ब्लैक तो ब्लैक से बढ़ा, ताकि यहाँ पे क्या है ब्लैक्स बढ़ाने के बाद थोड़ा फोटो में लाइट आ जाती है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको कलर में जाना है और यहाँ पे थोड़ा मैं ब्लू पे चल देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा इसको ब्लू इफेक्ट दे देता हूँ। थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो तो बहुत अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट करना है लाइट्स का, ठीक है। ये अपने मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जल्दी कर लेता हूँ अपने, ठीक है, कलर सेटिंग। तो गाइस देखते रहना वीडियो को, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है, कितना बेहतरीन लग रहा है गाइस, देख सकते हो। ये हमारा जो पहले का पिक्चर जो पिक्सार्ट में हमने एडिट किया था और कुछ कलर सेटिंग करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो कितनी बेहतरीन एडिट हो चुका है। सो गाइस अब इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए क्या करना है, आपको तीन डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्लाइड करना है थोड़ा सा और नीचे जस्ट नीचे आएगा आपको सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ओके पे क्लिक करके अपनी फोटो कर लेनी सेव। तो गाइस आपकी फोटो जो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस ये आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने एकदम मत भूलना और लाइक दबाए करना। फिर मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।